हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन ऑफ ए अल्कोहल मॉलिक्यूल। इन लास्ट क्लास वी ऑलरेडी स्टडी अबाउट द केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल ड्यू टू ओ एच बॉन्ड क्लीवेज इन अल्कोहल मॉलिक्यूल। ड्यू टू ओ एच मॉलिक्यूल रिएक्शन नेचर ऑफ ए अल्कोहल इज ए एसिडिक। फॉर एग्जाम्पल, रिएक्शन ऑफ ए अल्कोहल विद ए रिएक्टिव मेटल और एल्कली मेटल लाइक सोडियम, देन ड्यू टू ओ एच बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शन हाइड्रोजन गैस रिमूव फ्रॉम हेयर हाफ एच टू एंड ए सोडियम एल्कोक्साइड मॉलिक्यूल विल फॉर्म। We already study about this reaction. In this reaction, alcohol molecule reacts with the sodium metal. Then, in alcohol, due to OH bond cleavage, hydrogen gas removed from here, and sodium alkoxide molecule will form. Sodium alkoxide as a salt. बिकॉज इन दिस रिएक्शन सोडियम इज एल्कली मेटल आर ओ एच एसिड, देन सोडियम एल्कोक्साइड विल फॉर्म। एक बात बेटा मैंने आपको बताई भी थी ये पहले भी, इंडिविजुअली अगर हम एल्कोहल की बात करेंगे तो वहां पर एल्कोहल न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा अगर इंडिविजुअल बात करेंगे तो, बट अगर कंपेयर में एल्कोहल के ही मॉलिक्यूल हम साथ में लेके चल रहे हैं तो वहां पे हम बेसिक स्ट्रेंथ की बातें समझा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन और देखें। सेम रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद पोटेशियम मेटल, देन पोटेशियम एल्कोक्साइड विल फॉर्म एंड हाइड्रोजन गैस विल रिमूव। ये रिएक्शन हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, पहले ही बता भी चुका हूं आपको। Now, reaction of a alcohol molecule with a metal hydride, hydrogen को बेटा periodic table का joker कहते हैं। रीजन इसका ये है, हाइड्रोजन एस ब्लॉक में भी मिलेगा। रीजन इसका क्या होगा एस ब्लॉक में आने का, ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम फिल इन ए ऐसे सबसेल। पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की पोजीशन 14th ब्लॉक में भी हो सकती है, 14th ग्रुप में भी हो सकती है, 17th ग्रुप में भी हो सकती है। 14th ग्रुप में होने का रीजन क्या होगा, हाइड्रोजन एटम की आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं अगर उतने ही फिल करवा दें तो ये अपने एक स्टेबल फॉर्म में आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 14th ब्लॉक के जो भी एलिमेंट है उनकी आउटर मोस्ट सेल में अगर हम उतने ही इलेक्ट्रॉन और फिल कर दें जितना उसके आउटरमोस्ट सेल में है तो वो भी अपने ऑक्टेंट को कंप्लीट करते हैं, अपनी स्टेबिलिटी में आते हैं। तो इस अकॉर्डिंग हाइड्रोजन 14th ब्लॉक में भी हो सकता है। 17th ब्लॉक की बात करूं मैं, 17th ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं उनकी आउटर मोस्ट सेल में अगर एक इलेक्ट्रॉन को फिल करवा दें तो वो भी अपने ऑक्टेंट स्टेबिलिटी को शो करवाते हैं। ठीक उसी प्रकार से हाइड्रोजन की आउटर मोस्ट सेल में अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को एंटर करवा दें तो वो भी स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो इस बेस पे सबसे पहली बात तो ये देखना आप, इसमें हाइड्रोजन शोज द बोथ ऑक्सीडेशन नंबर H+ एंड H-। इफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन H+ देन अनदर नेम ऑफ H+ इज प्रोटोन एंड इट्स कॉल्ड H+ और प्रोटोन। बट इफ ऑन हाइड्रोजन एटम नेगेटिव चार्ज
माइनस वन ऑक्सीडेशन नंबर इज प्रेजेंट, देन इट्स कॉल्ड हाइड्राइड, इट्स कॉल्ड हाइड्राइड। इफ हाइड्रोजन एटम अटैच विद मेटल, इफ हाइड्रोजन एटम अटैच विद मेटल, देन हाइड्रोजन ऑलवेज शोज द नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर, माइनस वन ऑक्सीडेशन नंबर, एंड इन दिस केस हाइड्रोजन कॉल्ड हाइड्राइड, बिकॉज नॉन बिकॉज मेटल हैव ऑलवेज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑलवेज पॉजिटिव नंबर ऑक्सीडेशन नंबर। बट इफ हाइड्रोजन एटम अटैच विद नॉन मेटल, देन हाइड्रोजन मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू मॉलिक्यूल HCl एंड NaH। इन NaH मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एटम अटैच विद सोडियम मेटल, सोडियम इज मेटल एंड हाइड्रोजन नॉन मेटल, मीन्स En ऑफ हाइड्रोजन मोर देन सोडियम सोडियम एटम, सो नेम ऑफ NaH इज सोडियम हाइड्राइड, बिकॉज हेयर हाइड्रोजन शोज द माइनस वन ऑक्सीडेशन नंबर। बट इन HCl मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एटम अटैच विद नॉन मेटल एंड En ऑफ क्लोरीन मोर देन हाइड्रोजन एटम, सो दिस हाइड्रोजन इज नॉट हाइड्राइड एंड नेम ऑफ HCl इज हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। नाउ रिएक्शन पे आए अपनी पे, हम मैंने लिखा है रिएक्शन ऑफ एल्कोहल मॉलिक्यूल विद मेटल हाइड्राइड, मेटल लेस ईएन एलिमेंट, हाइड्रोजन मोर ईएन एलिमेंट, इट मीन्स हाइड्रोजन कॉल्ड हाइड्राइड। सो रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद सोडियम हाइड्राइड, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद पोटेशियम हाइड्राइड, बोथ रिएक्शन क्रिएट द एल्कोक्साइड कंपाउंड RONa एंड ROK, बट हाइड्रोजन मॉलिक्यूल विल रिमूव वन हाइड्रोजन इन हाइड्राइड प्रेजेंट एंड वन इन एल्कोहल मॉलिक्यूल। बोथ रिएक्शन शोज द एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल, बिकॉज इन बोथ रिएक्शन हाइड्रोजन एटम रिमूव लाइक एच प्लस और प्रोटोन आयन। ओके, थर्ड रिएक्शन देखना बेटा, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टरीफिकेशन रिएक्शन, अनदर नेम ऑफ इट्स एस्टरीफिकेशन रिएक्शन, मीन्स इस रिएक्शन से एस्टर को फॉर्म करना हमें। क्या होगा रिएक्शन को देखना, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद कार्बोक्सिलिक एसिड, देन एस्टर विल फॉर्म। बट ध्यान से देखना बेटा, यहां जो इंपोर्टेंस है रिएक्शन का वो क्या होगा, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद कार्बोक्सिलिक एसिड, देन एस्टर विल फॉर्म एंड बाय प्रोडक्ट H2O विल फॉर्म, बट दिस रिएक्शन इज ए रिवर्सिबल रिएक्शन, इट्स ए रिवर्सिबल रिएक्शन। अब रिवर्सिबल का मीन्स क्या होगा, एस्टर और वाटर जो फॉर्म होंगे वो वापस अपने रिएक्टेंट एल्कोहल और एसिड में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो रिएक्शन को इरिवर्सिबल करने के लिए, ये रिएक्शन तो रिवर्सिबल है, इसको इरिवर्सिबल मीन्स हमें एस्टर ही फॉर्म करना है यहां पे, तो हम यूज करेंगे यहां पे कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4। ये कंसंट्रेट H2SO4 क्या करेगा, यहां पे H2SO4 जो कंसंट्रेट यूज किया है, ये बनने वाला जो प्रोडक्ट H2O है, वाटर है, उस वाटर को ये एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने से क्या होगा, तो इसको हमें एक लॉ होता है ली चैटलीज लॉ, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। एक्चुअल में ली चैटलीज लॉ क्या एक्सप्लेन करता है,
कि कोई भी केमिकल रिएक्शन को अगर आप फॉरवर्ड चाहते हो, फॉरवर्ड मीन्स अगर आप उसमें प्रोडक्ट को मोर अमाउंट में चाहते हो, तो उसके लिए आपको कुछ कंडीशन को फॉलो करना होगा। सबसे पहले कंडीशन तो ये होगी कि आप उसमें या तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करिए। क्या करना है, या तो उसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करिए, तब आपका रिएक्शन फॉरवर्ड होगी, प्रोडक्ट ज्यादा अमाउंट में बनेगा। सेकंड, या फिर इसमें से आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करिए। क्या बोला मैंने, या तो आप रिएक्टेंट जो है उसको इंक्रीज करिए, या फिर प्रोडक्ट जो है उसके अमाउंट कंसंट्रेशन को क्या करिए, डिक्रीज करिए। इन दोनों से एक्चुअल में क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड चलेगी। क्योंकि जो ला चैटलीज ला है वो एक्सप्लेन क्या करता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन को आप अगर फॉरवर्ड ले जाना चाहते हो तो वो रिएक्शन तभी फॉरवर्ड हो पाएगी जब उसमें आप क्या करोगे, प्रोडक्ट को डिक्रीज करोगे, रिएक्टेंट को इंक्रीज करोगे, और अगर उसमें टेम्परेचर की भी अगर कोई बात आ जाए तो आप उसके लिए एक बात और ध्यान रखोगे। अगर वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक टाइप की है, अगर वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक टाइप की है उसको आप फॉरवर्ड चाहते हो तो उसका आप टेम्परेचर क्या करिए, डिक्रीज करिए। एक्सोथर्मिक रिएक्शन फॉरवर्ड तभी हो पाती है जब उसका टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। और अगर एंडोथर्मिक टाइप की रिएक्शन है तो आप उसका जितना टेम्परेचर इंक्रीज करोगे वो रिएक्शन उतना ही फॉरवर्ड होगी। तो इस ला चैटलीज लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या कहते हैं कि हमें एस्टरीफिकेशन रिएक्शन में एस्टर को फॉर्म करना है, और वो एस्टर फॉर्म तभी हो पाएगा, अदरवाइज तो देखो रिएक्शन रिवर्सिबल बताइए मैंने पहले। अगर आपने ये एक डिहाइड्रेंट को यूज नहीं किया, यहां पे कंसंट्रेट H2SO4 डिहाइड्रेंट है, ये क्या करेगा, प्रोडक्ट जो H2O बना है उस H2O को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करने से प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी और ला चैटलीज लॉ के अकॉर्डिंग रिएक्शन फॉरवर्ड होगी, और फॉरवर्ड होगी तो आपके सामने क्या फॉर्म हो जाएगा, यहां पे एस्टर प्रोडक्ट। मैं इनसे रिएक्शन को एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद कार्बोक्सिलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 देन ड्यू टू इरिवर्सिबल प्रोसेस एस्टर एंड बाई प्रोडक्ट H2O विल फॉर्म। इन दिस रिएक्शन कंसंट्रेट H2SO4 एब्जॉर्ब द H2O मॉलिक्यूल, देन रिएक्शन फॉरवर्ड एंड एस्टर विल फॉर्म, इट्स कॉल्ड एस्टरीफिकेशन रिएक्शन और रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके बेटा, नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो अगली क्लास में देखते हैं। थैंक यू।